बाइक पर सवार होकर हरदोई आ रहे युवकों को बदमाशों ने लूट लिया, जबकि विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। ये घटना फंडी रोड पर जजवासी गांव के निकट मोड़ पर हुई, लेकिन इसी बीच शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे बदमाश मौके से फरार हो गए। आ रहे थे उधर से साड़ी से हरदोई आ रहे थे, रास्ते में जजवासी के थोड़ा पहले वहाँ पे हादसा हुआ। एक आदमी ने हाथ दिया, हमने मोटरसाइकिल छीन ली थी, तब तक के सामने से देवेंद्र गुप्ता दिखे, उन्होंने गोली मार दी थी, एक पैर उसके लड़के ने की, वहाँ के लोगों ने आवाज़ सुनी, बोलो दौड़ था लड़ाए तो बोलो मार। कोतवाली शहर की पुरानी बिल्डिंग हाउस निवासी अजय शर्मा उर्फ दीपू पुत्र ब्रजलाल शर्मा अपने दोस्त मनोज पुत्र प्रदीप मिश्रा निवासी घटिया रोड के साथ बाइक से हटने आ रही थी। मनोज के मुताबिक रास्ते में जजवासी गांव के मोड़ के पास चार बदमाशों ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। उसके बाद बदमाशों ने अजय शर्मा के पास से 15,000 की नकदी लूट ली। जब अजय शर्मा ने शोर किया तो बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे गोली अजय शर्मा के सीने में लग गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ पड़े। लोगों को आता देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना अजय शर्मा ने परिजनों को दी, जिससे उन्हें मौके पर पहुंचकर परिजनों ने देर रात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना सांडी पुलिस को दी गई। वही पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। थाना सांडी के अंतर्गत ये घटना हुई थी कल रात में, जिसके वादी हैं अजय शर्मा पुत्र दीपलाल। ये आ रहे थे, इनका आरोप ये है कि रात्रि में लखनऊ सांडी रोड पर देवेंद्र, उनके पुत्र अर्पित और श्रीपाल तथा एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा इन पर जानलेवा हमला किया गया और इनके पास लड़के जो है वह लूट लिए गए। इस सूचना पर थाना हाजा पर अभियोग संख्या 249/17 धारा 307 394 पंजीकृत किया गया है तथा आरोपियों की तलाश की गई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।